अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ किरण मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम जो है वो रेसिपी बनाने वाले हैं वो चिकन की जो है वो दही गोश्त हम तैयार करने वाले हैं। उसके लिए हमें 1 kg जो है वो चिकन चाहिए। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1.5 कप दही का ऐड करना है और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे ताकि दही इसके अंदर ऐड हो जाए। खुश्क मसाला जात में हमने 1 बड़ा चम्मच भर के हमने कोरमा मसाला का इसके अंदर ऐड करना है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया कूटा हुआ, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा और काली मिर्च, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अदरक लहसुन का जो है वो हम पेस्ट इसके अंदर जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इन तमाम मसाला जात को जो है वो हमने अच्छी तरह मैरिनेट करके इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देना है ताकि तमाम मसाला जात जो है वो गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएँ। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, व्यूज़ चाहिए, तो और अच्छे अच्छे फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, इसको 1 से 2 घंटे तक करने के बाद इसके अलावा हमने एक अलहदा से पैन में ऑयल ले लेना है और इसके अंदर प्याज जो है 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लेना, उसको फ्राई कर लेना, अच्छा सा उसका कलर आ जाए उसको हमने निकाल लेना है और उसको हाथ से हमने चूरा कर लेना है। जब ये कुरकुरी हो जाएगी तो एक पैन लेंगे, तेल को उसके अंदर हीट अप करेंगे और उसके अंदर हम अपने मिक्सचर को जो हमने मैरिनेशन करके रखा हुआ था उसको हमने इसके अंदर डाल लेना है और ऑयल के अंदर जो है वो इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इससे पहले हमने क्या करना है, इसको डाल के 1 से 2 बार हम इसको हिलाएंगे, उसके बाद हमने इसका ढक्कन इसके ऊपर दे देना है और इसका पानी जो है वो खुश्क होने देना है ताकि इसी पानी के अंदर जो गोश्त है हमारा वो टेंडर हो जाए अच्छे से और गोश्त भी टेंडर हो जाएगा और तमाम जो मसाले हैं वो भी गोश्त के अंदर जज़ब हो जाएंगे और जो घी है वो भी सरफेस पे आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। ये बहुत अच्छी, बहुत क्विक सी बनने वाली रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है और ये बहुत मज़े की बनती है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब देखें जी, पानी जो है वो आहिस्ता से दही का खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। हमने दही के अलावा इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया है, सिर्फ 1.5 कप जो हमारी दही थी उसी का ये पानी है। आप देख लीजिए, गोश्त को जो है वो वॉश करके साइड पे आप स्ट्रेनर में रखा करें ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए अच्छे से। अब हमने प्याज जो है वो हाथ से चूरा करके वो इसके अंदर डाल दिया और आप देखिए प्याज के डलते ही कलर कितना खूबसूरत हो गया, गोल्डन। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम ऐसा होता है कि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाती है जिससे जो हमें अच्छी नहीं लगती है खाने में, तो इसके लिए एक टिप जो है वो भी मैं आपको इसी रेसिपी में बताऊंगी कि आप जो है वो या क्रीम ले लें या भलाई ले लें दूध की, या अगर आपके पास भलाई नहीं है तो आप दूध भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, उससे इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है और जो प्याज का तीखापन होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। प्याज जो है अक्सर ज़्यादा भी ब्राउन हो जाती है तो वो अपना कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक सा छोड़ देती है, तो आप इसके अंदर इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ ऐड कर लें, या भलाई ऐड कर लें, या क्रीम ऐड कर लें और या सिंपल दूध ऐड कर लें, इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है। अभी मैं आपको ऐड करके बताती हूँ, आपको लाइव पता चल जाएगा कि वाकई इसका रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता है। अब देखिए, मैंने 1 कप इसके अंदर जो है वो फ्रेश दूध की भलाई जो हमने अभी अभी निकाली है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। आप देखें कि भलाई के डलते ही माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया और इसके साथ साथ इसके टेस्ट के ऊपर भी इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आता है, तो आप जो है वो ज़रूर इसके अंदर इस तरह की चीज़ें ऐड किया करें। DIYs जो है आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए ताकि आपको पता चले कि अगर ऊंच नीच ऊपर नीचे कोई चीज़ हो जाती है तो हम उसको कैसे बैलेंस करें। तो वक्तन फवक्तन आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी, आप इसे बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।